आजमगढ़ में एक किन्नर के शव को दफनाने के लिए किन्नरों ने लगभग 5 घंटे तक जमकर हंगामा किया। बता दें कि मामला जियनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नगर पंचायत आजमगढ़ में सरोज नामक किन्नर बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद किन्नर मृतक के शव को लेकर नूरी मस्जिद के बगल में पहुंचे और उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वहीं किन्नरों को शव दफनाते देख मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और शव को मस्जिद के बगल में नहीं दफनाने दिया। वहीं मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद गुस्साए किन्नरों ने हंगामा शुरू किया। वहीं हंगामा बढ़ते देख पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। नहीं, दफनाने को लेकर के, जगह को लेकर के थोड़ा सा विवाद था, वो सुलझा लिया गया है और दफना दिया गया है, इसमें आज अभी कोई विवाद नहीं है। नहीं, एक जहाँ पे वो दफनाना चाहते थे लोग, वो ग्राम समाज की जमीन थे, उनका ये कहना था कि हम यहीं दफनाए दें, जबकि परंपरा वहाँ दफनाने की थी नहीं, तो इसलिए मौके पे SDM और CO को भेजा गया, फिर दूसरी जगह जहाँ दफनाया जाना था वहाँ दफनाया गया। अब अभी कोई विवाद नहीं है वहाँ। मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किन्नरों को शांत करवाया और शव को दूसरी जगह दफन करवाया। वहीं शव दफनाने के बाद मामला शांत किया गया। पंजाब केसरी TV के लिए आजमगढ़ से प्रीतेश्वर कुमार की रिपोर्ट।